हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने उस दिन श्वसन टॉपिक यानी चैप्टर दूसरा पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने पेड़ पौधों का श्वसन देखा। उसके बाद क्या कहते हैं, पेड़ पौधे किन किन भागों से करता है वो सब कुछ देखा और उनकी परिभाषाओं को समझा। आज का टॉपिक है हमारा मनुष्य का श्वसन अंग। मनुष्य का श्वसन अंग को आज हम लोग देखेंगे। श्वसन अंग का मतलब केवल फेफड़ा से नहीं है, श्वसन अंग वो सभी अंग में आएगा जिसकी मदद से हम लोग श्वसन क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो श्वसन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए मुख्यतः, वैसे तो बहुत सारे अंग साथ देते हैं लेकिन मुख्यतः चार अंग है, लैरिंग्स ट्रेकिया फेफड़ा और नासिका छिद्र, नाकों में पाया जाने वाला दो गोलाकार छिद्र। तो ये चार चीज से श्वसन की क्रियाएं पूर्ण होती है मुख्यतः। अब हम लोग आते हैं इस चित्र पर। इस चित्र के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि कैसे कैसे हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कैसे फिर वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर करते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने बोर्ड पे और देखते हैं फिगर को। तो सबसे पहले हम लोगों ने श्वसन में देखा क्या कि ऑक्सीजन गैस वातावरण से लेते हैं। तो पेड़ पौधे ने बनाया था कौन सा गैस, पेड़ पौधों ने बनाया था ऑक्सीजन गैस और वो उसे मुक्त कर दिया था कहाँ, तो वायुमंडल में। और हम लोगों ने ऑक्सीजन गैस कहाँ से लिया है, वायुमंडल से। तो हम लोग जो ऑक्सीजन गैस लिए हैं वो पहले किसी न किसी अंग में गया होगा तब हमारे बॉडी में आता है। तो वो सबसे पहले ऑक्सीजन गैस हमारे नासिका छिद्र द्वारा प्रवेश करती है। ये नासिका छिद्र क्या है, हमारे नाक में जो दो गोलाकार बाह्य छिद्र होते हैं इसी छिद्र को नासिका छिद्र कहते हैं। क्योंकि वैसे भी जानते हैं नाक को नासिका भी कहते हैं और नासिका में पाए जाने वाले दो गोलाकार छिद्र क्या कहलाते हैं, नासिका छिद्र। तो सबसे पहले कहाँ घुसा, वायु नासिका छिद्र में। तो वो नासिका छिद्र के द्वारा, यानी कि यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे दो नासिका छिद्र, यहाँ पे नासिका छिद्र है, दो छिद्र है, इन छिद्रों के द्वारा वायु कहाँ प्रवेश करता है, नाक में प्रवेश करता है यानी नासिका में प्रवेश कर लिया। नासिका में प्रवेश किया यानी नासिका छिद्र, सबसे पहले क्या, नासिका छिद्र में प्रवेश करने के बाद वो आता है नासिका वेश में। इस स्थान का नाम क्या है, नासिका वेश। सेकेंड नंबर में कहाँ पहुंचता है, नासिका वेश में। वो नासिका वेश में, नासिका वेश के बीचों बीच एक पट्टी होती है जो इन दोनों, आप जानते हैं सबके पास नाक है और आप लोग देखे भी होंगे कि इन दोनों छिद्रों के बीच में एक दीवार की तरह कुछ खड़ा है जिसका नाम है नासिका पट्टिका। नासिका पट्टिका, उस पट्टी का क्या काम है, वो पट्टी क्या करती है, ये दोनों छिद्रों को विभाजित करती है, अलग करती है कौन सा बायां है कौन सा दायां है। ये पट्टिका क्या करती है, नासिका वेश्म को विभाजित करने का काम करती है। यानी सबसे पहले वो नाक के छिद्र द्वारा पहुंचा, नासिका छिद्र में घुसा, उसके बाद कहाँ जाता है, नासिका वेश्म में जाता है। नासिका वेश्म में एक ऊंची सी दीवार होती है, उस दीवार का नाम क्या है, नासिका पट्टिका। और इसमें तो हम वो दीवार बना तो नहीं सकते थे जो मैं उसको दिखाती, तो यहाँ पे नासिका छिद्र के अंदर में एक बीचों बीच एक दीवार होती है जिस दीवार का नाम है नासिका पट्टिका। अब उस नासिका पट्टिका के बाद गला में प्रवेश करता है। नासिका पट्टिका के बाद, यानी नासिका पट्टिका था कहा, नाक में ही था, नासिका वेश्म को बांट रहा था दो भागों में। उसके बाद वो नासिका वेश्म, देखिए जैसे जैसे मैं आ रही हूँ, नासिका छिद्र से प्रवेश किया, कहाँ गया, नासिका वेश्म में, यहाँ आया वो ऑक्सीजन गैस। उसके बाद वो यहाँ से होते हुए आता है कहाँ पर, गला में आता है। उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ आती है, गला में आती है, और गला के बाद वो कहाँ खुलती है, लैरिंग्स में खुलती है। उसके बाद गला के बाद वो कहाँ आती है, तो वो ऑक्सीजन अब कहाँ आ गई है, लैरिंग्स में। लैरिंग्स का ही दूसरा नाम आप चाहे तो उसे स्वरयंत्र कह सकते हैं। लैरिंग्स को और किस नाम से जाना जाता है, स्वरयंत्र। वास्तव में लैरिंग्स उसका इंग्लिश का नाम है, हिंदी नाम क्या है, स्वरयंत्र। तो अब गला में आया था, गला के बाद वो किस में प्रवेश कर गया, लैरिंग्स में प्रवेश कर गया। और ये लैरिंग्स पीछे की ओर, आगे की ओर नहीं, लैरिंग्स पीछे की ओर कहाँ खुलती है, ट्रेकिया में खुलती है। यानी अब देखिए इस लैरिंग्स के बाद, इस लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं, स्वरयंत्र, साउंड बॉक्स, यहीं से हमारा आवाज निकलता है। मनुष्य जो बोलता है कहाँ से बोलता है, इसी बॉक्स के वजह से बोलता है, इसीलिए इसे स्वरयंत्र कहते हैं, यानी लैरिंग्स कहते हैं, स्वरयंत्र कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं। इसके बाद वो वायु कहाँ प्रवेश करता है, आगे की ओर या पीछे की ओर, पीछे की ओर वह कहाँ पर घुसता है वायु,
तो वो ट्रेकिया में घुसता है। यानी अब इस लैरिंग्स के बाद वो कहाँ पहुंच गया है, ट्रेकिया में पहुंच गया है। वो लैरिंग्स के बाद वो ऑक्सीजन किसको हम लोग पहुंचा रहे हैं, तो वातावरण से हम लोग ऑक्सीजन गैस लिए थे, तो वो ऑक्सीजन गैस लैरिंग्स के बाद कहाँ पहुंचती है, ये जो आप देख रहे हैं लंबी सी आकृति वो है क्या, उसके बाद ये है ट्रेकिया। लैरिंग्स के बाद वो प्रवेश कर गया है ट्रेकिया में। ट्रेकिया को ही हिंदी में क्या कहते हैं, श्वास नली। देखिए हम मतलब आगे में ट्रेकिया इसलिए लिखे हैं कि श्वास नली से साइंस में बहुत कम यूज किया जाता है। जिस तरह से सोडियम ज्यादा लोग नहीं यूज करते, उसी उसका नाम लैरिंग्स ज्यादा यूज किया जाता है और इसका श्वास नली का यूज किया जाता है ट्रेकिया। तो हम लोग भी ट्रेकिया लिखे, लेकिन इसका वास्तविक हिंदी नाम क्या है, श्वास नली। तो श्वास नली को ही क्या कहते हैं, ट्रेकिया। ट्रेकिया आप जो ये लंबी सी आकृति देख रहे हैं, दीवार सी, एक बड़ी सी आकृति, ये जो बड़ी सी आकृति देख रहा है आपको, ये क्या है, ट्रेकिया है। इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई लगभग 11 cm होती है। इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, 11 cm होती है। और इसका व्यास, इसका व्यास, इसका मोटाई आपको हो जाएगा कितना, तो 16 mm। लंबाई कितनी, 11 cm, और इसका व्यास कितना हो जाएगा, 16 mm। ये लंबी सी आकृति है। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि 11 सेंटीमीटर की ये होती है। और आप इस आकृति के बीचों बीच, आप इस आकृति के बीचों बीच यूं एक वलय सी आकृति दिख रहा है, दिख रहा है इस तरह से बनाया हुआ है आधे चांद की तरह दो दो करके। ये क्या है, ये अपूर्ण वलय है। ये क्या है, अपूर्ण वलय। ये क्या काम करता है, ये क्यों है इसमें, आप देख रहे हैं कि ट्रेकिया जहाँ से शुरू हुई है और जहाँ तक जाकर के वो खत्म हुई है, वो हर जगह वहाँ पे सजा हुआ है। यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक ये अपूर्ण वलय सजा हुआ है। इसका मुख्य लक्ष्य है, ये इनका खास काम क्या है, तो जब कभी हम लोग ऑक्सीजन गैस तो लिए हैं, और जब फेफड़ा अपना सारा काम पूरा कर लेगा, उसके बाद आप सभी जानते हैं कि हम लोग कौन सा गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालते हैं, तो ये नली, अगर ये अपूर्ण वलय ना होता, तो ये जो ट्रेकिया देख रहे हैं लंबी सी दीवार की तरह, नली देख रहे हैं, नली की भांति है ये नली आपस में चिपक जाते हैं। ये नली आपस में ना चिपके, इसलिए इसमें क्या दिया गया है, वलय दिया गया है। तो ये वलय की वजह से ये आपस में चिपकते नहीं है। अगर ये ना होता, अगर मान लीजिए कि इसकी आकृति ऐसे होती, तो जब कभी इसे वायु निकल रहा होता, जब ऑक्सीजन आता था तो वैसे ही वो भरा हुआ है, लेकिन जब जब कार्बन डाइऑक्साइड इसे निकल रहा होता, तो हवा के निकलते ही वो आपस में चिपक जाता। तो इसीलिए ये वलय इसके सपोर्ट में, इसे सहारा देने के लिए, मजबूती देने के लिए, और उसे अपने स्थान पर टिका रखने के लिए ये होता है। तो ये भी देख लिए। अब देखिए आप लोग जैसे जैसे देख रहे हैं कि कैसे कैसे आया, इसके बाद जैसे ये ट्रेकिया के बारे में हमने बताया कि ट्रेकिया में प्रवेश किया, इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ हो गया, तो ट्रेकिया के बाद आप खुद ही देख रहे हैं कि ये दो भागों में बट रहा है। ये ट्रेकिया दो भागों में बट रहा है। कितने भागों में बट रहा है, दो भागों में बट रहा है। तो देखिए जरा आप कि ये हमारा क्या है, ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया कितने भागों में बट रहा है, दो भागों में बट रहा है। ये हमने दो भागों में बांट दिया, तो ये ट्रेकिया ही तो बटा है ना, तो इस दोनों भाग को, ये दोनों भाग जो दो भागों में बट गया है, उन दोनों ही भाग को क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकस के कहते हैं। याद रखिएगा कि ट्रेकिया आगे जाकर के दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसका नाम क्या है, ब्रोंकस है। तो अब ब्रोंकस भी देख लिए, और ये ब्रोंकस देखिए किसमें प्रवेश कर रहा है, ये दोनों टहनी की तरह किसमें घुस रहा है, तो फेफड़ों में घुस रहा है। किसमें घुस रहा है, फेफड़ों में घुस रहा है। तो अब फेफड़ा में घुस चुका है, लेकिन ये दो भागों में जो घुसा है उसका नाम क्या बताए, ब्रोंकस बताए। किसमें घुसा है, फेफड़ा में। तो फेफड़ा में घुसा है, इसका मतलब हम लोग फेफड़े में पहुंच चुके हैं। तो जरा फेफड़े के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फेफड़ा क्या है। फेफड़ा थैली की तरह आकृति वाला है, यानी थैली नुमा होता है, जो स्पंजी होता है, यानी अगर आप उसे दबाओगे तो वो दबेगा स्पंज की तरह। ये काफी मुलायम होते हैं, ये काफी मुलायम होते हैं, स्पंजी होते हैं, थैलोनिमा होते हैं, जो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। जो कहाँ स्थित होते हैं, मान लीजिए ये मानव है और ये इसका शरीर है, तो यहाँ की जो आकृति, यहाँ का जो स्थान है, ये स्थान क्या है, वक्ष गुहा। और इसी स्थान में कौन स्थित होता है,
हमारा ये फेफड़ा स्थित होता है, तो इसीलिए इस स्थान को क्या कहते हैं, वक्ष गुहा। तो ये भी देख लिया कि फेफड़ा क्या सब है, इसका रंग गाढ़ा गुलाबी कलर का होता है, थैलीनुमा होता है, स्पंजी होता है, गुलाबी रंग का होता है, वक्ष गुहा में स्थित होता है। अब फेफड़ा हो गया, और ये कौन बटा था दो भागों में, ब्रोंकस। अब ब्रोंकस जब अंदर आता है, ब्रोंकियोल्स में आता है, हमने ये देखा, उसके बाद देखिए आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि ये ट्रेकिया था वो दो भागों में बटा, देखिए आप लोगों ने। उसके बाद जो ये ब्रोंकस है, ये भी ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस भी आगे जाकर के आप लोग देख रहे हैं कि भागों में बट रहा है। यहाँ पे देखिए यही ब्रोंकस था, ये ब्रोंकस इधर बट गया, इधर बट गया, इधर बट गया, इधर बट गया, इधर, यानी हर जगह ये बट रहा है, यानी अंदर घुसते ही, फेफड़ा के अंदर घुसते ही ये कई भागों में बटना शुरू कर दिया। तो ये जो फिर से इसकी शाखाएं निकल रही है, ये फिर से इसकी शाखाएं जो बट रही है, अब इसको क्या कहेंगे, तो इसका नाम है ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स भी इंग्लिश नाम ही है, रियल नाम इसका क्या हो गया, श्वास नलिकाओं। क्या है, श्वास नलिकाओं। अब ये श्वास नलिकाएं किसको कहे, तो ब्रोंकस भी फेफड़ा के अंदर आते ही कई सारी शाखाओं में बट गई, उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो ब्रोंकियल्स भी देख लिए, यानी वो शाखानुमा में बट गया, ब्रोंकियल्स था। अब आप एक और चीज देख रहे हैं, यानी हम इधर से आए थे, फिर वो बटा, फिर वो कई सारी शाखाओं में बटा, तो उसको ब्रोंकियल्स कह रहे हैं। और उस ब्रोंकियल्स में आप लोग फूल की भांति कुछ बना हुआ देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस फिगर में, ये एक तरह से लग रहा है कि फूल की तरह घुमावदार जो संरचना है, इस संरचना को क्या कहेंगे, इसका भी नाम है, इसका नाम क्या है, वायु कोष्ठिका। इसका नाम क्या है, वायु कोष्ठिका, एलिपियोलस। ये इसका रियल तो इसका यही नाम चलता है, वायु कोष्ठिका, इसके नाम में ही है वायु कोष्ठिका। कोष्ठिका मतलब होता है रखने वाला, और आगे में लगा हुआ है वायु, तो वायु को रखने वाला वायु कोष्ठिका हुआ, वायु को रखने वाला। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं जगह पे कि काम रियल में करेगा कौन, कहाँ पे आ चुके हैं हम लोग, वायु कोष्ठिका के पास पहुंच चुके हैं, यानी कि नासिका छिद्र के बाद वो नासिका वेश में पहुंचा, नासिका वेश के बाद वो गला में पहुंचा, गला में पहुंचने के बाद वो लैरिंक्स में पहुंचा, और लैरिंक्स में पहुंचने के बाद ट्रेकिया में आया, और ट्रेकिया दो भागों में बट गई जिसे ब्रोंकस कहते थे, और ब्रोंकस भी आगे जाकर के अंदर फेफड़ा में घुसते ही वो भी बट गई कई सारी शाखाओं में, जिसको क्या बोले, ब्रोंकियोल्स कहे। और ये ब्रोंकियोल्स में गोल गोल सी संरचनाएं बन रही है, इस ब्रोंकस में गोल गोल सी फूल की भांति संरचनाएं बनी हुई है, जिसका नाम है वायु कोष्ठिका, और यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस वायु कोष्ठिका के, इस हम जो घुमा रहे हैं आकृति आप देख रहे होंगे, जैसे मान लीजिए ये वायु कोष्ठिका है, इस वायु कोष्ठिका के चारों ओर, इस वायु कोष्ठिका के चारों ओर रक्त नलिकाएं, रक्त नलिकाओं की घनी जाल होती है। घनी मतलब एक दो नली नहीं होती है रक्त की, यहाँ पे करोड़ों मात्रा में यहाँ पे क्या होते हैं, रक्त की नलियां होती है फैली हुई। और यानी ये हमारा क्या था, वायु कोष्ठिका, यही वाली संरचना वहां पे है ये, तो ये मेरी वायु कोष्ठिका है। इसके चारों ओर हमने क्या बताया कि रक्त की क्या है, घनी नलिकाएं फैली हुई है, घनी नलिकाएं फैली हुई है। और देखिए ये इसकी दीवार, वायु कोष्ठिका की दीवार काफी पतली होती है, वायु कोष्ठिका की दीवार काफी पतली होती है और पारगम्य होती है। क्या होती है, पारगम्य। पारगम कहने का मतलब जिससे पदार्थ आ जा सके, और यहाँ पे पदार्थ आया क्या है, तो वायु, वायु में ऑक्सीजन आया है, तो पदार्थ तो एक ही आया है, और उसी पदार्थ के लिए वो पारगम्य है, यानी इससे ऑक्सीजन आसानी से आ सकता है, और बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से जा सकता है। तो इसकी दीवारें इतनी पतली और पारगम्य होती है कि आसानी से ऑक्सीजन इसमें प्रवेश कर जाती है, किसमें, वायु नली, ये रक्त नलिकाओं में, तो ये रक्त नलिकाओं में। तो देखिए यहाँ पे ये वायु कोष्ठिका है, ये क्या है, वायु कोष्ठिका। इस वायु कोष्ठिका के पूरे चारों तरफ रक्त नलिकाओं की जाल होती है, और इस वायु कोष्ठिका से ऑक्सीजन निकल करके किसमें प्रवेश किया, रक्त नलिका में। कहाँ प्रवेश किया है, रक्त नलिका में। और आप जानते हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है,
जिसके पास क्षमता होती है कि ऑक्सीजन को बांध ले, तो वो ऑक्सीजन अब कहाँ पहुंच चुकी है, रक्त में पहुंच चुकी है। उस रक्त में हीमोग्लोबिन ने उस ऑक्सीजन को लेकर के आगे बढ़ा और शरीर की कोशिकाओं के पास पहुंचा। कहाँ? शरीर की कोशिकाओं के पास पहुंचा है। और वो हीमोग्लोबिन, रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया है और वह पहुंचा कहाँ पे है, कोशिका में। उसके बाद तो आपको परिभाषा में हम समझा ही चुके हैं कि कोशिकाओं में जा करके वो क्या करता है, कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का विखंडन करता है, ऑक्सीकरण करता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन गया था और वहाँ पे श्वसन प्रक्रिया पूरी हुई और श्वसन प्रक्रिया के बाद में बना क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब वो रक्त किसको लेकर के आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के वो आएगा। यानी फिर से देखिए, यहाँ से निकला, कहाँ से, वायु कोष्ठिका से निकला और इसकी दीवार पतली होने की वजह से वो किस में प्रवेश किया है, वो प्रवेश किया है आपको रक्त नलिका में। और रक्त नलिका, रक्त की नलियां हैं, तो वहां से रक्त गुजरेगी। उस रक्त में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, उस ऑक्सीजन को अपने में बांध करके कोशिका के पास पहुंचा और वहां पे श्वसन किया। और श्वसन प्रक्रिया के बाद क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिर से हीमोग्लोबिन ने पकड़ा, यानी उससे संयोग किया और बना दिया क्या, इस बार कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब वो हीमोग्लोबिन ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पकड़ करके फिर वो ले आती है कहाँ पे, उसी दीवार में जिस दीवार से वो लेके गई थी ऑक्सीजन को। तो जिस जगह से वो ले गई थी कोशिका के पास, उसी जगह पे अब बन चुका है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन चुका है। अब वो फिर क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के आ रही है और फिर से उस नलिका, रक्त नलिका के पास जो वायु कोष्ठिका की नली है, पतली सी दीवार थी, वो पतली दीवार से आराम से क्या चला जाएगा, आराम से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर इस वायु कोष्ठिका में प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि हमने बताया ये पारगम्य है, तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन को जाने देगा, नहीं, वो एक और गैस जो अभी बन के आया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो अब किसको जाने देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। फिर से वो किस में प्रवेश कर जाता है, वायु कोष्ठिका में प्रवेश कर जाता है। अब जैसे जैसे आया था ऑक्सीजन, उसी मार्ग से होते हुए वो हमारे शरीर से बाहर हो जाएगा। तो अब देखिए वो अब किस में आ चुका है, क्या, तो इस बार आया है कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकीय श्वसन के बाद, तो श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ चुका है, वायु कोष्ठिका में। अब वायु कोष्ठिका के बाद देखिए, ये था वायु कोष्ठिका, वायु कोष्ठिका के बाद जो ये शाखाएं हैं, इस शाखाएं में प्रवेश करेगी, जिस शाखाएं का नाम क्या बताए थे, ब्रोंकियोल्स। तो अब वो कहाँ पहुंच रही है, ब्रोंकियोल्स, ये शाखाएं सबका नाम था। इस ब्रोंकियोल्स में हर जगह से आया था ना कार्बन डाइऑक्साइड बन के, तो ब्रोंकियोल्स में आया, ब्रोंकियोल्स के बाद ये जो दो भागों में बटा था, इधर भी हो रहा है, ये दोनों जगहों से कहाँ पे आ जाएगा, ब्रोंकस में, जो दो बराबर भागों में, ब्रोंकियोल्स यानी वायु कोष्ठिका से निकल करके वो ब्रोंकियोल्स में घुसा। ब्रोंकियोल्स के बाद वो कहाँ पहुंचेगा, वो सीधे पहुंच जाएगा आपको कहाँ पे, तो ब्रोंकियोल्स के बाद वो सीधे फिर से चला जाएगा कहाँ पे, जिधर से आया था, ट्रेकिया में। ट्रेकिया में अब कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है, और फिर उस ट्रेकिया के बाद वो फिर कहाँ जाएगा, उस लैरिंग्स में, जिसका नाम स्वरयंत्र बताए थे, साउंड बॉक्स बताए थे, तो फिर वो जाएगा साउंड बॉक्स में। फिर साउंड बॉक्स के बाद वो फिर कहाँ जाएगा, गला में। गला के बाद वो कहाँ जाएगा, नासिका वेस्ट में। और फिर नासिका वेस्ट में के बाद वो नासिका छिद्र में जाएगा, और नासिका छिद्र के बाद वो नासिका छिद्र की सहायता से वातावरण में, वायुमंडल में चला जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों ने वातावरण में छोड़ दिया। तो हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन गैस को कैसे कैसे लिया, फिर कैसे वायु कोष्ठिका ने उसे कोशिका के पास भेजा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, उसके बाद फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड सभी अंगों से होते हुए शरीर से बाहर वातावरण में मुक्त कर दिया गया। तो ये था हमारा श्वसन किसमें, तो मानव में। तो मानव का श्वसन भी आज खत्म हुआ। और एक छोटा सा टॉपिक क्या है, जंतुओं में तो कीड़े मकोड़े भी तो सांस लेते होंगे, तो जितने भी कीट पतंग है वो ट्रेकिया की सहायता से श्वसन क्रिया करते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो ट्रेकिया की सहायता से क्या करते हैं,
श्वसन प्रक्रिया को पूरी करते हैं। और बच्चे मछली ये जितने भी जलीय जीव हैं ये प्रायः गिल्स की सहायता से श्वसन क्रिया करते हैं। मछलियों में गिल्स होते हैं, इन्हीं गिल्स की वजह से ये लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो ये था हमारा श्वसन। तो सभी जीव जंतुओं को हम लोगों ने इस चैप्टर में देख लिया, मानव का विस्तार पूर्वक देखे हैं। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, केवल टेंथ के लिए नहीं कंपटीशन के लिए भी ये जरूरी होता है। और एक चीज़ आप लोगों ने वायु कोष्टिका में ही तो देखा कि वहीं के वजह से जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन करके आया है। तो वायु कोष्टिका की संख्या होती कितनी है, तो जितनी इस आकृति में बनी हुई है क्या उतनी ही होती है, नहीं होती है। इसकी कुल संख्या, वायु कोष्टिका की कुल संख्या दोनों में मिलाकर के 3 × 10⁸, इसकी कुल संख्या 3 × 10⁸ होती है। यानी आप समझ सकते हैं कि हमारे फेफड़ों में इसकी संख्या कितना ज़्यादा है। तो ये था हमारा श्वसन तंत्र। हमें लगता है कि शायद हम इस टॉपिक को समझाने में सक्षम हो पाए हैं। अगर हमारे वीडियो को समझ पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।